हमने कई बार नए स्मार्टफोन में ये फीचर सुना होगा फेस अनलॉक या फिर फेस आईडी। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर अपने पुराने स्मार्टफोन के अंदर भी फेस आईडी या फिर फेस अनलॉक को अनेबल करें, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर को काम में लेते हुए एकदम आसानी से। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आप में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत बात। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम बात करें फेस अनलॉक की या फिर फेस आईडी, तो आजकल जितने भी नए स्मार्टफोन मार्केट में आते हैं उन सभी में आपको फेस अनलॉक या फिर फेस आईडी मिलती है, चाहे उनके अंदर उनका डेडिकेटेड हार्डवेयर ना हो, फिर भी वे उसके कैमरे ऐप के जरिए आपको उसके अंदर फेस अनलॉक या फिर फेस आईडी का ऑप्शन दे देते हैं। तो आखिर आप कैसे अपने स्मार्टफोन के अंदर ये फीचर इनेबल कर सकते हैं? मान लो आप अपने स्मार्टफोन को पैटर्न अनलॉक से या फिर पिन पैटर्न से अनलॉक करते हैं, या फिर आपके स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है, पर आप चाहते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन को अपने फेस आईडी या फिर अपने फेस अनलॉक से ओपन करें। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एंड्रॉइड अपने अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाते हैं, वहाँ पर आपको सेटिंग में आपको इनसे जो फोन की सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी ऑप्शन होते हैं, या फिर अगर आप फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो वहाँ पर आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन। जैसे आप उस सेटिंग के अंदर एंटर करते हैं, आपको वहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको स्मार्ट लॉक का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप स्मार्ट लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी जिसके अंदर आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि वॉइस मैच या फिर फेस अनलॉक या फिर आपके जो GPS लोकेशन या फिर नियरेस्ट डिवाइस, इसके जरिए आप स्मार्टफोन को अनलॉक करने की फीचर मिलते हैं। इसमें अगर आप फेस अनलॉक पर या फिर अपने फोटो पर क्लिक करते हैं, जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, ये आपसे आपके फेस को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देता है। जैसे आप अपने फेस को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें आपको अगर अगली बार सेटिंग होते हैं तो उसके अंदर आपको अपने फेस को रिटेन करने का ऑप्शन मिलता है, यानी उसको फिर से एनालाइज करने का। मान लो आपने पहले जो फोटो खींची उसके अंदर आपकी बियर्ड थी, तो दूसरी फोटो खींची उसके अंदर आपकी बियर्ड नहीं थी, इसलिए आप इसमें 2-3 तरह से फोटो खींच सकते हैं। मान लो आपने किसी फोटो में, एक पहले वाले फोटो में आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं, दूसरे में आपने ग्लासेस हटा दिए हैं, या फिर आपकी बियर्ड है बियर्ड नहीं है, वैसे आप 3-4 तरह से फोटो खींच सकते हैं। जैसे डे लाइट नाइट में आपको इसमें अलग अलग तरीके से फोटो खींची, जैसे आप अपनी अलग अलग तरीके से फोटो खींच देते हैं, फिर जैसे आपका फोन अनलॉक होता है आप उसे पावर बटन दबाइए, उसके चेहरे के सामने कीजिए, और जैसे आप उसे स्वाइप अप करते हैं आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। ये है स्मार्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन में फेस अनलॉक या फिर फेस आईडी को काम में लेने का तरीका। मुझे उम्मीद है दोस्तों पता चल चुका होगा आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर बिना किसी सॉफ्टवेयर को काम में लेते हुए फेस अनलॉक या फिर फेस आईडी को कैसे एनेबल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू नेक्स्ट वन।